प्यारे छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं आपके पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ इनाम, जिसके लेखक है अरुण जी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ तीसरा इनाम। आइए देखते हैं लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 3 जनवरी 1928 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। वे कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। उनके समग्र साहित्य की 146 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां अगर हम देखेंगे तो इनमें मेरे नवरस, ये एकांकी संकलन, और रुहर हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह विशेष उल्लेखनीय है। बच्चों, अब हम देखेंगे गद्य संबंधी जानकारी। यह एक हास्य व्यंगात्मक निबंध है। इसका मतलब क्या है कि किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध कहलाना। हास्य व्यंग में उपहास का ही प्राधान्य होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि इस निबंध में लेखक ने हास्य यानी हंसी और व्यंग मतलब टीका करना, इन दोनों का समावेश इस निबंध में किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुची सब्जी, मिठाई या और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चला आता है। लेखक को अपना सामान उसमें रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती। इस बीच एक व्यक्ति लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक तरकीब बताता है, जिसे आजमा कर लेखक को उन लोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो बच्चों, एक फ्रिज का आधार लेकर लेखक ने किस प्रकार हंसी खुशी से समाज की बुरी बात पर व्यंग किया है, यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं।